ये देखो भाई मस्त मस्त व्यू। कितना डर कितने रहे हो, आ जाओ भाई, डर क्यों रहे? सो हेलो मित्रों, कैसे आप सब? होप करता हूँ बढ़िया होंगे, बढ़िया रहना। एंड आई एम रियली रियली सॉरी यार, ये अब ब्लॉग ना बीच में थोड़ी देर स्टॉप हो गया था। आप लोग ना शॉर्ट्स के एंजॉय करें, होप करता हूँ ना भाई आपको शॉर्ट्स ना पसंद आ रहे होंगे। नहीं पसंद आ रहे ना भाई, आप जाकर हमारे यूट्यूब शॉर्ट देखिए, मतलब बढ़िया बढ़िया यूट्यूब शॉर्ट्स ना अपलोड करें। सो मित्रों, अपने डायलॉग करते हैं मित्रों आज के दिन की शुरुआत। और ब्लॉग थोड़ा लेट है बट कोई नहीं, आप लोग ने मेरे यूट्यूब के शॉर्ट्स एंजॉय कर लिए हैं, होप करता हूँ पसंद आ रहे होंगे। और आज का जो हमारा प्लान है ना भाई, हम रेडी हो चुके हैं। अब मैं जा रहा हूँ एक हफ्ते के लिए पूरा गांव, मतलब एक वीक वीडियो पूरी गांव की सीरीज आने वाली है। गांव का लाइफ स्टाइल, गांव की चीज, और हमारे पूरे घर वाले सारे लोग, सदा चाची लोग, मीना चाची लोग, सब लोग आ रहे हैं, जो कि बहुत बढ़िया बढ़िया हमारे खानदान के सारे लोग आ रहे हैं। हमारे चाचा चाची लोग आ रहे हैं, बस बुआ नहीं आ रही है, बट ठीक है कोई नहीं, सब सारे घर वाले आ रहे हैं। और इस बार धमाके वाली मस्ती आने वाली है, और फुल ऑन विलेज टूर, विलेज मस्ती वाला ब्लॉग आने वाला है। तो हम जाएंगे, पहले सामान की पैकिंग कर लेते हैं, ऋषिकेश, ऋषिकेश से देवप्रयाग, देवप्रयाग का कल वीडियो बनेगा, नहाएंगे धोएंगे और शुद्ध होकर जाएंगे। गाँव के गाँव में पूजा का टाइम उत्तराखंड में चले जाए, तो गाँव पूजा आपको बढ़िया बढ़िया नज़ारा देखने को मिलने वाला है। अब यार देखो, थोड़ी देर पहले ना मैंने क्लासेस की है खत्म, और जब मैंने क्लासेस खत्म कर ली तो देखो, अब मैं ऑनलाइन भाई कोचिंग दे रहा हूँ, डिजाइन कोचिंग। तो जो जो पढ़ने में इंटरेस्टेड है डिजाइन, मुझसे या मेरे सीनियर से, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थोड़ा बहुत मैं पढ़ाना शेयर कर, और ब्लॉग की भी मैंने एडिटिंग कर ली है, बस थोड़ी देर में ब्लॉग लाइव आ जाएगा। तो यार चलते हैं, गाड़ी में छोटा सा काम कराना है जाने से पहले, और सतीश भी अपने लिए कार देखने जा रहा है, तो चलो चलते हैं सतीश के लिए ना कार देख के आते हैं। और ठीक है, सतीश को कार देखनी है, मैं प्रदीप और सतीश तीनों जा रहे हैं। तो फिलहाल निकलते हैं घर से और मिलते हैं फिर उन लोगों से रास्ते में, और आप लोगों को भी रास्ते में। गाड़ी बहुत लग रहा है और बहुत ज़्यादा धूप है पार, तो चलो प्राइवेटर पहले शट डाउन कर लेते हैं यार। सो भाई लोगों, हमारे ना जाने की तैयारी तो हो गई है। फिलहाल कार की चाबी देख रहे हो भाई, सामान कितना पैक हो गया हमारा भाई सब। हर बार गाँव जाने का सामान देखो, कितना सामान पैक कर लिया, कितना सामान। तो ठीक है यार, कोई नहीं, गाँव जा रहे तो सामान तो हो गई। ये देखो एक कट्टा ही रहा, और यहाँ भाई पहले कुछ खा लेते हैं फ्रूट फ्रूट, क्योंकि भाई ये भी ज़रूरी है ना, भूख तो लगनी चाहिए। अब रास्ते में बहुत ज़्यादा भूख लगती तो थोड़ा फल वल खाते, क्योंकि ना भाई अभी डेढ़ बज चुका है और बहुत धूप हो रही है भाई। धूप तो अगर दिखाओ ना भाई, देखो क्या भयंकर धूप हो रही है। ऐ कोई नहीं गाइस, चलते हैं, सतीश का फ़ोन आ गया, फटाफट इसको पहले ख़त्म कर लेते हैं। भाई धूप देखो कितनी भयंकर है भाई, यहाँ देखो अभी भी ना मुंबई एक्सप्रेस का काम ना ढंग से हुआ नहीं, और भाई एसी फुल चार नंबर पर करा हुआ है, और इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी भाई। बोला फटाफट चलते हैं सतीश के पास, वरना मुझे देगा गाली, भाई तू अभी तक आया क्यों नहीं। तो फटाफट से पहले चलते हैं, और देखो भाई सामने हो रहा है मुंबई एक्सप्रेस का काम। भाई देखो फाइनली हम पहुंच चुके हैं टाटा के शोरूम, और देखो भाई आज प्रदीप गाड़ी बुक करने आया है, और सतीश भी। भाई देखो हम टाटा टियागो देख रहे हैं, सीएनजी वाली, मतलब बहुत सारी गाड़ी है, पंच वंच। अरे सामान नीचे से आएगा, थोड़ा आएगा, बाकी इस पर आएगा, इस पर बतेरा सामान आया था तेरा। अपनी गाड़ी लेके फिर से ना अपने शोरूम पे आ गया, टाटा की गाड़ी तो देख ली एक बार, और यहाँ पर स्विफ्ट देखना है सीएनजी में। सतीश फिलहाल मेरी गाड़ी में छोटी सी दिक्कत आ रही थी, गाड़ी है छोटी मोटी दिक्कत आती रहेगी, तो चलते फटाफट सर्विस सेंटर की तरफ, फिर पहले गाड़ी का छोटा सा काम करा दें, क्योंकि हम जा रहे हैं गाँव, और फिर मिलेंगे आप लोगों के अंदर। जब तक सतीश और प्रदीप चले गए अंदर, मैं भी होकर आता हूँ फटाफट। तो ब्रीजा फाइनल हो चुकी है, वैसे तो मैं बोल रहा भाई 800 निकलवा लें, ये ठीक है ना, चार आया थी सर, अपने स्विफ्ट स्विफ्ट है भाई, ब्रीजा भाई बढ़िया लगी गाड़ी है ना। अच्छा चाबी मार के ले चलो, बुक करा दिया है अर्टिगा, कुछ पसंद नहीं है अर्टिगा, कह रहा है मैं गांव जाऊंगा सवारी लेके जाऊंगा, बला बला ऐप से मेरी तरह, मेरे को देख के सीख गया था, लगेगी सामान ले जाऊंगा भर भर के, सामान ले जाऊंगा भर भर के, सीएनजी गाड़ी में सब भर लेगा। मैं देख रहा हूँ भाई साहब, अरे गाड़ी बता दी कौन भैया, गाड़ी हटवा दो। तो भाई कितनी गर्मी हो रही है भाई, उसके तो प्रदीप तो आया भी नहीं अंदर, पर भाई हम हवा खा लेते हैं पहले, कितनी गर्मी है भाई, कितनी गर्मी। हाँ भाई इसको चार पे कर देना। हाँ तो चार पे कर दे, उसको कोई फर्क नहीं, पहले ठंडी तो होने गाड़ी। हाँ 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 भाई आ जा, गाड़ी गर्म है, तू भी मजे ले हमारे साथ यार, पेट्रोल भरना बहुत जरूरी है ना, तो अभी आ गए पेट्रोल पे, पहले भरा रहे हैं पेट्रोल शाम के लिए, भाई रात को निकलना है पहाड़ों पर, तो पेट्रोल बहुत जरूरी है भाई। सब गर्मी भाई, तू एमजी एक्टर ले, ये बढ़िया लग रही है, टाटा ना टाटा खरीदने वाला है बहुत जल्दी। तो गाइस फाइनली यार
बस घर आया थक के दोपहर में, गाड़ी वाड़ी देख ली है। वैसे तो मैंने बहुत ऑप्शन बताया बट उसको पसंद आई है सिर्फ CNG और टियागो CNG, वैगनर CNG। वैगनर एक्चुअली स्पेस ज़्यादा है, थोड़ी सस्ती मोटर है, बजट फ्रेंडली, कि उसका मार्केटिंग काम है डेली अप एंड डाउन। लेट्स सी, उसका डिसीजन हमने समझा दिया है और फिर आया हुआ थक के सोई भी, रात में मुझे करनी है ड्राइविंग। हमको जाना है गाँव भाई, ये देखो 8 दिन का गाँव का सामान, ये देखो 8 दिन हमको स्पेंड करना है। ये मेरा लैपटॉप बैग रेडी हो गया, इसके अंदर मैंने अपने एक्स्ट्रा चार्जर वार्जर सब रख लिया, और ये मेरा बैग भाई, बाकी सारा सामान मैंने आप लोगों को दिखाया था, बाकी सब रेडी हो गया है। और भाई जो 7 दिन होने वाले ना, गांव में ठंड हो रही है नहीं हो रही है वो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्शन हो रहा है, कि मैंने एक जैकेट तो रख लिया है बट अगर ठंड हो गई ना भाई तो लंका लगने वाले, लिटरली लंका लगने वाले। ठीक है, पवन भाई अपना आ रहा है, कोई ज़्यादा ज़्यादा दिक्कत होगी तो पवन भाई बोलने, पवन भाई जैकेट देखा जाए, जैकेट एक्स्ट्रा ले आएगा हमारे दो तीन निकले। बट ठीक है, फिलहाल भाई पैकिंग वैकिंग हो चुकी है, 1 घंटा इंतजार करना है और उसके बाद निकल जा रहा। और आज राइड पे मम्मी ताई पापा, परवीन जा चुका है, दिव्या आपको रास्ते मिलेगी और वहीं डायरेक्ट आएगी, और आज जा रहा है प्रभात भाई, अपना रास्ते में उनको मिलेगा। तो ठीक है, फटाफट से कर लेते हैं, और छोटा मोटा सामान है गाँव के लिए वो लेके आता है, फिर पैकिंग हमारी ऑलमोस्ट डन हो गई भाई, पैकिंग डन है सामान। अभी फिलहाल हमने सामान रख दिया भाई बहुत ज़्यादा, और गाड़ी भी ऑलमोस्ट भाई फुल हो चुकी है। चलो आप लोगों को दिखाता हूँ भाई, गाड़ी में सामान तो ज़्यादा आ गया है। गाड़ी में सामान पूरा खचाखच भर गया है, ये देखो आ गई, ये सारा सामान ऑलमोस्ट फुल हो गया भाई, प्रभात भाई। और ये देखो भाई गाड़ी का टैंक पूरा दब रहा है भाई, पूरा भाई यहाँ से मिल गया हमको प्रभात भाई लक्ष्मी नगर से। अब भाई यहाँ से हम चलते हैं अपने गांव की तरफ, तो फटाफट से निकलते हैं और रहें तो हो जाएंगे लेट। यस, अरे थोड़ा सा ना कपड़ा मार लेते हैं, गाड़ी होनी चाहिए साफ सुथरी। भाई देखो अपना नाम हमेशा साफ रखो हर जगह। भाई देखो मम्मी लोग भी कैसे बैठे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा भाई, सामान तो पता नहीं कितना ही हो गया भाई, ये देखो लिटरली भाई बहुत ज़्यादा सामान हो गया, बहुत ज़्यादा गाँव का भाई साहब। ये देख लो रोड पे आंधी और बारिश भी आ गई भाई, ये ट्रिप में थोड़ा सा वो, ये क्या रोड पे ट्रिप पे ट्विस्ट आ गया हमारे, देखो गाइस ट्रिप पे आ गया ट्विस्ट। देखो भैया अब वो ढक रहे हैं अपनी गाड़ी के सामान को भाई, ये देखो भाई साहब देखो, यहाँ तक आते आते घर पे थी गर्मी, यहाँ पर आते आते मौसम बदल गया भाई साहब, रोड की पेन भाई सब कितनी तेज आंधी चल रही है, आप लोग देख पाओगे पेड़ क्या भयंकर उड़ रहे हैं, ये देखो रास्ते में पेड़ वेड़ आ चुके हैं भाई टूट टूट के भाई, ये अलग ही हमारे साथ थ्रिल हो रहा है इस टूर पे भाई साहब, आप देख पाओगे कितनी भयंकर आंधी चल रही है और बहुत तेज चल रही है, रास्ते में 2-3 पेड़ भी टूट गए, सब बच बच के चल रहे हैं और आगे पीछे सब है भाई, देख बोर्ड वोर्ड सब टूट गए भाई, बोर्ड वोर्ड सब टूट गए, तो ये देख आगे भी बोर्ड गिर, देख उड़ के आ गया देख बोर्ड। फिलहाल तो अभी हम यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर भाई बिल्कुल भी आंधी नहीं है भाई, वरना पीछे तो बहुत आंधी थी। तो फिलहाल मम्मी लोग पता नहीं घर से तरबूज वरबूज लेके आए, बुखार हमने भी खा लिया, और भाई देखो पर गाड़ी गंदी हो गई, देखो चेहरो गाड़ी साफ रहता है पर गाड़ी हो गई गंदी। यहाँ पर मौसम ठीक है भाई फिलहाल, पर ठीक है कुछ खाने का ले लेते हैं। गाइस अभी हम है कहाँ पर हमें खुद नहीं पता है, और भाई साहब पीछे देखो भाई आंखें ना थोड़ी नींद नींद वाली होने लगी, क्योंकि दिन में मैं सो तो लिया था बट फिर भी रात के अंदर थोड़ी सी नींद तो आ जाती है। चलो फिर यहाँ से चलते हैं, क्योंकि खाना पीना तो हमने कुछ है नहीं, घर से खा के निकले थे जस्ट हम आई गेस 10 बजे फिलहाल, चलो आगे चलते हैं भाई। ये देखो एक और नया, अच्छा ये ट्रक देख रहे हो आप, टेढ़ा टेढ़ा चल रहा है, काफी देर से ऐसे चल रहा है, मैं भाई क्या हो गया, लोड है ही नहीं खाली है, मुझे लग रहा है आगे का एक्सेलरेटर टूट गया भाई, देख लो क्या क्या एंटरटेनमेंट आज देखने को मिल रहा है। पहुंच चुके हैं हम हरिद्वार की पौड़ी, तो भाई ये देखिए योग नगरी हरिद्वार हम पहुंच चुके हैं फाइनली, ये देखो भाई हरिद्वार का बोर्ड भी चला गया, तो हम यहाँ से जाएंगे ऋषिकेश, और हमारा आज इस सीरीज में एक स्टॉप होगा, उसके बाद हम देवप्रयाग में रुकेंगे। फिलहाल भाई 3 बज चुके हैं, गाड़ी ड्राइव करते करते
बट हम धीरे धीरे चल रहे हैं यार। और यहाँ हमारे जस्ट राइट साइड में है गंगा नदी, तो जय गंगा भैया। और चलते हैं भाई फाइनली। देखो ऋषिकेश पहुँच चुके हैं, ये फिलहाल आ रहे हैं फ्यूल अप अपनी गाड़ी का, सेकंड फ्यूल अप हो रहा है आज का। फिलहाल एक टायर मुझे लग रही है हवा कम। देखो अभी हम ऋषिकेश में पेट्रोल वेट्रोल तो भरा लिया है भाई, मम्मी और पापा लोग गए वॉशरूम, भाई मम्मी पापा लोग गए वॉशरूम। और प्रभात भाई को देखो, ये भाई हमारा भाई आज का। भाई शकल दिखाओ, भाई शकल दिखाओ, शकल दिखा दो बनता है। अरे हम अपने एक दूसरे भाई को लेकर आए हैं, ये जा रहा हमारे साथ, प्रवीण तो पहुंच गया। भाई सामने देखो कितना प्यारा गुरुद्वारा है, सो भाई गुरु मेहर करना। भाई यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट ले लिया है, बाकी लोग गए वॉशरूम की तरफ। भाई मौज से अगर ओके हवा चल रही है, ये देखो प्रभात की शक्ल देखिए फाइनली। ये चार चाय कर दो भाई। और देखो भाई चांद कितना प्यारा लग रहा है, इकलौती दुकान देखी भाई हमको यहाँ पर ऋषिकेश का। तो हमने सोचा भाई इतनी जल्दी क्या ही करना, तीन धारा और देवप्रयाग पहुँच के। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पर चाय पियेंगे और टाइम खोटे करेंगे बेसिकली। देखो भाई गाड़ी कितनी दौड़ रही है, बहुत सामान है। तो भाई अपनी सुबह की 4 बजे की चाय। और ये देखो उसका चेहरा देख लो, उसका चेहरा देख लो, उसका चेहरा देख लो, चेहरा तो देखा करूँगा भाई। तो भाई अब सब पी रहे चाय, पापा नहीं पी रहे समझती ना, सुबह 4 बजे की चाय। अब देख लो चेहरा भाई, लोटा फरमा रहा है भाई। भाई तू फेमस होने वाला है, तू देख ले सब। ये देखो पहाड़ों पे गुड मॉर्निंग हो गई हमारी, और क्या बढ़िया सा व्यू आ रखा है भाई। सुबह ऑलमोस्ट हो चुके हैं, बच चुके भाई सुबह के 5 ऑलमोस्ट। सनराइज कहाँ से होगा, यहाँ से मज़ा आ जाएगा ना, और होगा नहीं सनराइज। भाई ये देखो ये हमारे साथ कौन आ रखा है, प्रभात भाई। ऐसा कल दिख गई बर्बाद की शर्मा रहा लड़का। तुम हमने को किसी का वेट करना है ना आगे, तुम तो बहुत धीरे चल रहे हैं, मतलब 20 मिनट पहली बार। और एवरेज भी देखो 1800 ऊपर ही नहीं जा रही, पर जब तेज चलाते 80-100 पर तब भी एवरेज इतनी आती है, अभी भी एवरेज नहीं आ रही है। बट सामान ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तो गाड़ी पूरी दब रखी है, तो मैं धीरे धीरे चला रहा हूँ। और किसी का वेट करना भी है तो हमने सोचा वेट करना, सच्चा धीरे धीरे चलते हैं। तो कोई नहीं भाई, अब बढ़िया बढ़िया सीन आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं भाई कुछ दिन तक। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं आज की अपनी ऋषिकेश के डेस्टिनेशन पर। और भाई सुबह हो चुके हैं, मेरे पीछे आप लोगों को दिख रहे होंगे सुबह। और भाई ये देखो प्यारी सुबह पहाड़ों पे, सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम द माउंटेन्स। और भाई ये सामने को हमारा गोवा वाला बीच। तो भाई ये ऋषिकेश का ना वो पॉइंट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्री वेडिंग शूट्स होते हैं, सबसे ज़्यादा प्री वेडिंग शूट्स होते हैं भाई। वहाँ देख रहे हो लोगों ने हट वट बनाकर रह भी रहे हैं वहाँ पे, वो देखो आपको दिख रहा होगा हट, लोग भाई यहाँ रह भी रहे हैं।